Lord Shri Krishna says in this verse that the austerity performed by a person at these three levels of भगवान कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक लाभ की इच्छा ना करते हुए और पूरी श्रद्धा से ईश्वर को ध्यान में रखते हुए इन तीन प्रकार यानी शारीरिक वाणी और मानसिक स्तर पर तप करता है वो सामूहिक तप कहलाता है। ये वाला आपके पास नहीं।